आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत राष्ट्रपति चुनाव से। देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले जी हां राम गोपाल वर्मा का बड़ा बयान सामने आया। जी हां, क्या कहा है राम गोपाल ने, हम विस्तार से अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें, समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पहली पर्ची रसीद फाड़कर राम गोपाल ने इसका जो है लोकार्पण किया। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। इस दौरान उनसे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हुए, क्या लग रहा है आपको जीत होगी? राम गोपाल का ये कहना है कि अगर लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत चुनाव होगा और विपक्ष अगर अपने अंतर आत्मा की आवाज को सुनकर और अगर माहौल को देखकर और वाकई अपने दिल की बात सुनकर वोट करेगा तो जरूर यशवंत सिन्हा की जीत होगी। दरअसल सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा को लेकर विपक्ष का ये कहना है कि बहुत काबिल नेता है, वो बहुत सीनियर लीडर हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े मंत्रालय पद को संभाला है और बीजेपी में रहते हुए वो लगातार सच्चाई की बात करते रहे। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। उनका कहना है कि आज सत्ता पक्ष के होश उड़े क्योंकि सत्ता पक्ष इधर उधर मारे मारे ढोल रही है, कभी विपक्ष से समर्थन मांग रही है, कभी किसी से समर्थन मांग रही है। दरअसल उनका कहना है कि आज अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास समर्थन करने वाले लोग कम है, आज द्रौपदी मुर्मू को समर्थन मिलना बहुत मुश्किल होता नजर आ रहा है, यही वजह है कि बीजेपी ईडी और एनसीबी का डर दिखा रही है। हालांकि यशवंत सिन्हा की अगर हम बात करें तो यशवंत सिन्हा लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो सरकारी संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है उसका होना बंद करवा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश को जो कठपुतली की तरह मोदी सरकार नचा रहे हैं उसको भी बंद कर देंगे। दरअसल यशवंत सिन्हा की अगर बात करें तो जमकर उनकी तारीफ हो रही है। जाहिर सी बात है, यशवंत सिन्हा लगातार खुलकर अपनी बात रखते आए हैं, खुलकर सच्चाई की बात करते रहे और सीधे सीधे तौर पर अगर माना जाए, सीधे सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़े हद तक जो स्थिति है आज वो यही जरूर दिख रही है कि यशवंत सिन्हा के समर्थन में जनता भी खड़ी है, विपक्ष भी खड़ा है और लगातार मोदी सरकार के होश उड़े। लेकिन ये माना जा रहा है कि जैसा सत्ता पक्ष चुनाव जीतता है इस बार भी कहीं ना कहीं डरा कर धमका कर विपक्षियों को चुनाव जीतने की कोशिश होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में हमने देखा है कि कम से कम 19 सांसदों को ईडी और एनसीबी का डर दिखाया गया। उनका ये कहना है कि उद्धव ठाकरे के साथ जो 19 सांसद है अगर उनको उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं किया तो उन्हें ईडी और एनसीबी का जो है चक्कर काटने पड़ेंगे, तो 19 सांसद जो है वो समर्थन के लिए तैयार हो गए। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि काम सीधी उंगली से नहीं हो रहा तो उंगली को टेढ़ा किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की ये नीति इतनी ज़्यादा लोगों को चुभने लगे कि जनता सड़क पर उतर आए और सब कुछ अपने हाथ में ले ले। अगर ऐसा होता है तो समझिए उस वक्त लोकतंत्र ही दिखता नजर आएगा, क्योंकि आज लोकतंत्र दिख नहीं रहा है, संविधान के तहत काम हो नहीं रहा है, सरकार जैसा चाह रही है वैसा कर रही है और जनता परेशान है, लगातार सरकार को कोस रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।